दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कांग्रेस पार्टी के एक नेता के दुस्साहस का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में दिख रहे ये शख्स प्रयागराज के पूर्व कांग्रेस नेता राजकुमार हैं, जिन्हें एक बयान के बाद पार्टी से निकाल दिया गया है। बयान ऐसा है जिसमें अतीक अहमद को शहीद बताया गया है। ये वीडियो देखिए जिसमें राजकुमार अतीक अहमद के उसी कब्रिस्तान पर गए हैं जिसमें अतीक और अशरफ की कब्रें बनी हैं। कब्र पर जाकर तिरंगा झंडा चढ़ाकर राजकुमार ने कहा है कि अतीक भाई, मैं आपको शहीद का दर्जा दिलाऊंगा, भारत रत्न दिलाऊंगा, आपको सम्मान दिलाऊंगा। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहो। अतीक की कब्र पर राजकुमार अतीक अहमद अमर रहे के नारे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो तमाम पत्रकारों ने यह पूछा कि ये क्यों किया। जवाब मिला, अतीक भाई की शासन ने हत्या करा दी, अतीक भाई शहीद हैं, अतीक भाई को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिन राजकुमार की बात हो रही है उन्हें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के आजाद स्क्वायर वार्ड का अधिकृत निकाय चुनाव प्रत्याशी बनाया था। इनको पार्षदी का टिकट भी मिला था, लेकिन अब नेताजी पार्टी से निकाल दिए गए हैं 6 साल के लिए। अब अतीक अहमद की शहादत की बात कहने वाले नेताजी कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। 6 साल के लिए पार्टी से निकालने के बाद इनका टिकट भी काट दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताजी का दुस्साहस ऐसा क्यों हुआ, ये बात सब पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर तमाम नेताओं ने यह कहा है कि अतीक को भारत रत्न का दर्जा मिलने की बात कहने वाले ये शख्स आखिर कौन है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की साख पर पलीता लगा दिया है। लेकिन फिर से परिचय बताना जरूरी है। राजकुमार, जिन्हें पार्षद का टिकट मिला था, वो कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। आपके पार्षद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 43 के, उन्होंने एक बयान दिया था, 43 हमने 43 बोला है, आजाद स्क्वायर जो नया वार्ड बना है, राजकुमार उर्फ रज्जू भैया के नाम से, तो एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है, तो इस पर लेकर आपका क्या कहना है? वीडियो का संज्ञान जैसे आज हमको मालूम चला तो हमने तत्काल उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जी। और उसमें हमने देखा कि जिस यूट्यूब के चैनल में वो बाइट दे रहा था उसको समझा करके लोग देख गए, और उनकी केशव जी की साथ फोटो भी है। और बाद में जब मालूम चला हमको तो हमने पता किया, तो उसका मानसिक इधर महीना भर से कुछ बिगड़ा हुआ, वो दवा खा रहा था, दोबारा दवा खा लिया तो उसका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे किस तरीके की उसने बात की। और जब संज्ञान में आया तो तत्काल हमने उसको पार्टी से निकाल दी, और वहाँ प्रयास करेंगे कि किसी उसके परिवार के ही या किसी और के? अपने परिवार के लोगों से बात किया, उनसे पर्चा मंगवाया हमने, पर्चे में दवाई लिखी हुई है जी, और वो दवा खा के आया था ये बताया था जी। अभी हम उनके परिवार के लोगों से पास जा रहे हैं मिलने के लिए कि क्यों ऐसा उसने बोला, क्योंकि वो 2012 में चुनाव लड़ा था और बहुत कम वोटों से चुनाव हारा था। कार्यकर्ता हर जगह आता जाता था, अभी नामांकन फॉर्म भी उसने यहाँ पे कई लोगों का भरवाया गया। ये हमको संज्ञान में जैसे ही आया कि वो मतलब जो है मानसिक संतुलन गड़बड़ है, और उसको गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उसे इस तरह का बयान दिलवा दिए। फिलहाल वो आपका पार्टी का कार्यकर्ता है, पुराना कार्यकर्ता है और जुझारू भी है, तो अब उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, तो क्या उस पर भी आप कुछ मदद करेंगे उसकी? नहीं, अभी तो हमको जानकारी नहीं है, लोगों ने बताया कि, लेकिन हमको अभी पूरी जानकारी नहीं, अभी हम पता करते हैं घर जा करके। अब इस कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो रही है। उत्तर प्रदेश तक पार्टी के संगठन में खलबली मची है। अतीक अहमद पर जितने गंभीर मुकदमे थे उसे देखते हुए लोगों ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सोच यही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में संरक्षित किया, अब उसके नेता अतीक अहमद को शहीद बता रहे हैं। ना जाने ये कौन सी राजनीति है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।